ओके तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए बहुत सारे अपडेट लेके आया हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और मैं कोई इंट्रो वगैरह भी नहीं करने वाला, बस चैनल पे पहली बार आया तो भाई सारे लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स WWE कंपनी के अंदर आखिर हमें कैसे देखने को मिले इसके बारे में रिसेंट टाइम में केविन ओवंस ने बताया। और भाई केविन ओवंस के अकॉर्डिंग विंस मैकमहन खुद से कोडी रोड्स के घर गए थे उनको बुलाने के लिए WWE कंपनी के अंदर वापस आ जाए। मतलब भाई अगर ये सच में सही न्यूज है तो मतलब आप लोग समझो विंस मैकमहन जैसा एटीट्यूड वाला बंदा, सनकी बंदा खुद कोडी रोड्स के घर पे गया। और भाई मेरे ख्याल से रिसेंट विंस मैकमहन का सबसे बेस्ट डिसीजन था कोडी रोड्स को WWE कंपनी के अंदर वापस, क्योंकि आपको पता है WWE कंपनी के अंदर ऐसे ही स्टार पावर बहुत ज्यादा कम हो गया। कोडी रोड्स जो भी है मंडे नाइट रॉ को करंट टाइम में चला रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो आज के रॉ ऊपर हमें कोडी रोड्स देखने को नहीं मिले थे और पेबैक के अंदर भी कोडी रोड्स का कोई भी मैच वगैरह नहीं होने वाला, क्योंकि अगर कोडी रोड्स का कोई मैच होता पेबैक के अंदर तो भाई आज ही मंडे नाइट रॉ ऊपर एडवर्टाइज हो जाता। वैसे मैं आपको पहले ही बताया था और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पेबैक के मैच कार्ड से मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हूं। आप डेफिनेटली हैप्पी हो जाने वाला आगे वाला न्यूज सुनने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के बारे में, भाई जिन्होंने रिसेंट टाइम फिर से अपने फैंस का दिल जीत लिया। आप लोग इस फोटो के अंदर देख सकते हैं सेथ रॉलिंस अपना चैंपियंस बेल्ट के साइड प्लेट के ऊपर एक्चुअल में फिंड का लोगो लगाए। और भाई मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक मेथड है मतलब किसी भी रेसलर को ट्रिब्यूट देने का। पता नहीं क्यों मतलब 4-5 दिन हो गया फिंड के गए हुए, उसके बाद भी आज भी लोग मतलब फिंड को भूल नहीं रहे, मैं खुद ही नहीं भूल रहा है। ऐसे फिंड का एक्जेक्टली डेथ कैसे हुआ था उसके बारे में रिपोर्ट आया, मैं आपको बताता हूं। रिसेंट टाइम में TMZ ने इस बात को कंफर्म किया कि जब फिंड जब सोने गए थे ब्रे वायट तो सोते सोते उनका एक्चुअल में डेथ हो गया था। मतलब आप लोग समझो जब फिंड जब डेथ हुआ था जब फिंड का, तो एक्चुअल में उनके पास कोई भी बंदा नहीं था, कोई भी पर्सन नहीं था, उनको हॉस्पिटल वगैरह भी नहीं ले जाया गया। मतलब आप लोग सोचो यार फिंड जिस समय मर रहे थे एक्चुअली उनके पास कोई भी इंसान नहीं था, फिंड उसमें अकेले थे वहां पर। मेरे ख्याल से भाई ये बहुत ही ज्यादा एक डरावना न्यूज है। मतलब आप लोग समझो ये मतलब ब्रे वायट मर रहे हैं, उनके पास लास्ट वर्ड बोलने के लिए मतलब सुनने के लिए कोई बंदा भी नहीं उनके पास। मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूं। मतलब आप लोग समझो यार मतलब क्या गुजर रहा होगा ब्रे वायट के ऊपर उस टाइम। मतलब इससे बुरा किसी भी इंसान के लिए क्या हो सकता है कि मरने से पहले एक लाइन भी किसी के लिए बोल ना सके। नेक्स्ट बात करते हैं जेरी लॉलर के बारे में, जो कि हमें आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर देखने को मिले थे, पर भाई एक्चुअली आप लोगों ने इनको नहीं देखा होगा। जैसे ही सैमी जोन और केविन ओवंस का मंडे नाइट रॉ के स्टार्टिंग में इनका मैच खत्म हुआ था उसके बाद एक्चुअली कमर्शियल ब्रेक आया, और उसी कमर्शियल ब्रेक के दौरान सैमी जोन जेरी लॉलर को यहाँ पर बुलाया था। ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रिएक्शन भी देखने को मिला। अगर आपको नहीं पता तो काफी टाइम से ये हॉस्पिटल के अंदर थे, मे बी इनको हार्ट अटैक वगैरह आ गया था रिसेंट टाइम। तो मेरे ख्याल से अगर डब्ल्यू वाले इस तरह का अगर मूवमेंट दिखाते हैं मंडे नाइट रॉ पर तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं बैडेस्ट वुमन इन द प्लेनेट रोंडा रॉजी के बारे में, जिनके बारे में फिर से रिपोर्ट आया कि रोंडा रॉजी UFC के अंदर जाने वाले। भाई इस बार जैसे ही रिपोर्ट आया मैं सीधे गया गूगल के ऊपर, उसके बाद सर्च किया कि रोंडा रॉजी के करंट टाइम में एज कितना। आपको ये बात सुनकर सरप्राइज होगा कि रोंडा रॉजी के करंट टाइम में एज सिर्फ और सिर्फ 36 ईयर है। मतलब सबसे पहला चीज मुझे ये पता चला कि ये WWE के अंदर डेब्यू मेरे ख्याल से 30 साल की उम्र में किए, साथ ही साथ मेरे ख्याल से 3 से 4 साल अभी इनका UFC करियर अभी और भी बचा हुआ है। क्योंकि भाई 36 ईयर बहुत ज्यादा एज नहीं होता, इसी एज में ब्रॉक लेसनर UFC को छोड़कर WWE कंपनी के अंदर वापस आए। तो भाई आप लोग इस बात को कंफर्म मान लो कि रोंडा रॉजी एज ए आपको फाइटर एज ए MMA फाइटर आपको देखने को मिलने वाली फिर से UFC के अंदर। मुझे पता है यंग रेसलर के सामने इनको फाइट जीतने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर हाँ UFC के अंदर जा चुके ये बात आप लोग कंफर्म मान लो। ऐसे भी इन्होंने कुछ टाइम पहले इस बात को बताया था कि मैं सेना बेजलर की वजह से WWE कंपनी के अंदर वापस आई और अब मेरा मकसद पूरा हो गया, तो मैं सेना बेजलर की वजह से WWE कंपनी छोड़कर मैं जा रहा हूँ वापस UFC के अंदर। तो भाई अब आपको रोंडा रॉजी UFC के अंदर देखने को मिलने वाले ये बात आप लोग कंफर्म मान लो। और हाँ साथ ही साथ रोंडा रॉजी एक रिकॉर्ड भी बना देगी कि सबसे पहले UFC के अंदर थी, फिर WWE कंपनी के अंदर आए, फिर वापस UFC के अंदर। ऐसा करने वाले आज तक पूरे WWE हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई भी रेसलर नहीं रहे जो कि वापस UFC के अंदर गए। नेक्स्ट बात करते हैं रेसलमेनिया 41 और 42 के बारे में, भाई जिसका लोकेशन निकलकर सामने आ चुका है। और करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया 41 मिनीसोटा के अंदर होने वाला, रेसलमेनिया 42 होने वाला लास वेगस के अंदर। और ये करेंट टाइम में दोनों मेरे ख्याल से अमेरिका के अंदर ही जगह है, तो मतलब अमेरिका से बाहर अभी रेसलमेनिया WWE वाले नहीं करवा रहे। और उसके पीछे का बहुत सिंपल रीजन है कि मतलब WWE वालों को काफी ज्यादा हाई टिकट सेल करवाना होता है, अमेरिका के बाहर शायद वो नहीं करवा सकती इस चीज को। और हाँ छोटा छोटा जो प्रीमियम लाइव इवेंट होता है उसको WWE वाले स्टील करवाने का सोच रहे हैं फ्रांस जापान जर्मनी और मैक्सिको जैसे शहर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं CM Punk के बारे में, जो कि भाई फिर से AEW कंपनी से सस्पेंड हो चुके हैं, मे बी AEW वाले इनको अपने कंपनी से बाहर भी निकाल सकते हैं। आपको बता दूं ऑल इन पेपर जो 2 दिन पहले लंदन के अंदर हुआ था जिसके अंदर बहुत सारे ऑडियंस आए थे, उसी के अंदर एक्चुअली CM Punk ने रियल लाइफ वाला फाइट कर लिया। जैक पेरी रेसलर थे जिनके साथ पेपर व्यू स्टार्ट होने से पहले ही रियल लाइफ वाला फाइट कर लिया था बैक स्टेज। और उसके बाद रिपोर्ट ये आ रहा है कि CM Punk को AEW वाले फिर से अपने कंपनी से सस्पेंड कर चुके हैं दोनों ही रेसलर। मतलब लिटरली यार CM Punk किस तरीके से रेसलर है किसी को पता ही नहीं चलता, मतलब कितना झगड़ा करते हैं यार। मतलब AEW कंपनी क्या है कुछ समझ में ही नहीं आता। WWE के अंदर मुझे याद नहीं कि बैक स्टेज ऐसा कब फाइट होता, पर भाई AEW के अंदर तो हर 4 दिन पर यही कांड होता है। और हाँ इसीलिए ऑल इन पेपर व्यू खत्म होने के बाद हमें CM Punk कॉन्फ्रेंस के अंदर भी देखने को नहीं मिले थे क्योंकि इनको सस्पेंड कर दिया गया। भाई मैं तो यही कहूंगा CM Punk को वापस आ जाओ या WWE कंपनी के अंदर फिर से। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 16-time वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना के बारे में, जिनके बारे में आई थिंक आप लोगों को पता चल ही गया कि जॉन सीना WWE के अंदर एज ए फुल टाइमर काम करने वाले। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जॉन सीना लगातार 2 महीने तक WWE कंपनी के अंदर रहने वाला, मतलब हर एक स्मैकडाउन शो के ऊपर आने वाला लगातार 2 महीने। मतलब भाई ये सच में मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल एक रिपोर्ट आया, मतलब मेरे ख्याल से कोई भी बिलीव नहीं करेगा इसमें। मतलब भाई आप लोग खुद ही सोचो ये बंदा लगातार मेरे ख्याल से 6 या 7 साल से मतलब WWE कंपनी के अंदर एक या 2 स्मैकडाउन के ऊपर आता है पूरे साल के अंदर, अब ये लगातार 2
दो मंथ तक आने वाला हर एक स्मैकडाउन के ऊपर यह स्टोरी लाइन अपना कंप्लीट करने वाला, पूरा प्रॉपर स्टोरी लाइन हमें देखने को मिलेगा जॉन सिना का। और जॉन सिना इसलिए हमें रेगुलर देखने को मिल रहा है क्योंकि भाई अभी करंट टाइम में जॉन सिना के पास करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है। अमेरिका के अंदर पिछले दो मंथ से जो स्ट्राइक चल रहा है आगे आने वाला दो मंथ तक भी चलने वाला, इसलिए मतलब जॉन सिना करंट टाइम में शेड्यूल इनका बिल्कुल फ्री। अगर आपको नहीं पता कि अमेरिका के अंदर स्ट्राइक आखिर चल क्यों रहा है, तो भाई एक्चुअली छोटे मोटे आर्टिस्ट जो है वो अमेरिका के अंदर स्ट्राइक कर रहे हैं। एक्चुअली में एआई जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसके आने की वजह से बहुत सारे छोटे मोटे आर्टिस्ट का एक्चुअली जॉब ही चला गया और इसीलिए करंट टाइम अमेरिका के अंदर स्ट्राइक चल रहा है। वैसे इसके बारे में मुझे बहुत डिटेल में पता, पर भाई अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता नहीं सकता कुछ। भाई मैं पर्सनली सबसे ज्यादा हैप्पी इसलिए हूँ क्योंकि भाई मैं करीब 3 या 4 साल से रेसलिंग प्रॉपर तरीके से देख रहा हूँ और मैं कभी भी जॉन सिना का फैन नहीं बना था क्योंकि भाई एक्चुअली मैंने जॉन सिना कभी स्टोरी लाइन देखा ही नहीं, पर भाई अब वो चीज हमें देखने को मिलेगा, प्रॉपर स्टोरी लाइन जॉन सिना का देखने को मिलेगा स्मैकडाउन के ऊपर। वैसे वो कौन सा रेसलर होने वाला जिसका स्टोरी लाइन जॉन सिना के साथ चलने वाला, अगर आपको नहीं पता तो रिसेंट में दो रेसलर का नाम निकलकर सामने आया। सबसे पहले रेसलर है कैरियन क्रॉस, जिनका साथ से हमें रेवलरी जॉन सिना के साथ देखने को मिल सकता है क्योंकि करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को मतलब कैरियन क्रॉस को बहुत बड़ा एक हील बनाना डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी का। और सेकंड जो रेसलर है जिनका करंट टाइम में सबसे ज्यादा रूमर आ रहा है हमारे ग्रेसन वॉलर। भाई मुझे नहीं पता पर शायद से आपको जॉन सिना इस बार पेबैक पेपरव्यू के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं शायद से, क्योंकि पेबैक के अंदर ग्रेसन वॉलर का शो होने वाला, जिसके अंदर स्पेशल जो गेस्ट होने वाला वो होने वाला कोडी रोड्स। तो शायद ग्रेसन वॉलर कुछ ऐसा कोडी रोड्स के साथ करे तभी हमें रिटर्न देखने को मिल जाए जॉन सिना। हाँ मैं आपको पहले बताता हूँ, रूमर है जो जॉन सिना का हमें कोई भी रेवलरी देखने को नहीं मिलने वाला। भाई मुझे सबसे ज्यादा इस बात का खुशी हो रहा है कि मेरे माइंड में एक गिल्टी ना हो कि मैं जॉन सिना का एरा नहीं देखा। मैं सच में यार काफी ज्यादा हैप्पी हूँ। ऐसे आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में सारे लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपने ट्रैवल चिप रोमन रेंज के बारे में, जिनका भी शेड्यूल का भाई रिसेंट टाइम में रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका है। और करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी करेंट टाइम में रोमन रेंज आपको करीब 2 महीने तक डब्ल्यू कंपनी के अंदर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। जैसा कि मैंने आपको बताया था सर्वाइवल सीरीज के कुछ वीक पहले आपको रोमन रेंज का स्मैकडाउन के ऊपर रिटर्न देखने को मिलने वाला, उसके बाद सर्वाइवल सीरीज के अंदर हमारे ट्रैवल चिप रहने वाले, सर्वाइवल सीरीज के अंदर अपना मैच वगैरह करने वाले। और हाँ तब तक हमें ब्लड लाइन के बीच में भी कोई भी स्टोरी लाइन देखने को नहीं मिलने वाला, मतलब इनका स्टोरी लाइन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होगा। आई थिंक अब आपको पता चल गया हो कि डब्ल्यू वाले ने इस स्टोरी लाइन को करंट टाइम में क्यों स्टॉप, क्योंकि भाई करंट टाइम में जब जॉन सिना आ रहे हैं तो 2 महीने तो भाई जॉन सिना का स्टोरी लाइन चलेगा स्मैकडाउन के ऊपर, उसके बाद यह स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करेगा। भाई मेरे ख्याल से काफी अच्छा चीज है, मतलब अब मुझे रीजन एक्चुअली पता चला कि डब्ल्यू वाले इस स्टोरी लाइन को एक्चुअली पॉज क्यों लगा। आप लोग अभी करीब 2 महीने तक वेट कर लो, 2 महीने तक अभी करंट टाइम में डब्ल्यू के अंदर जॉन सिना का ही स्टोरी लाइन मस्त वाला चलने वाला स्मैकडाउन। वैसे भाई आप लोग देख लो कितने रेसलर का 2023 के एंड में डब्ल्यू कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ होने वाला। आप लोग नाम देख सकते हैं जैसे सेथ रॉलिंस हो गए, बैकी लिंच हो गए, स्ट्रीट प्रॉफिट हो गए, सैमी जेन हो गए, उसके अलावा और भी बहुत सारे मेंबर न्यू डे के भी हो। पर हाँ आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं क्योंकि भाई करंट टाइम में ये सब रेसलर के साथ डब्ल्यू वाले काफी अच्छा बुकिंग कर रहे हैं। ये सब तो डब्ल्यू कंपनी से बाहर नहीं जाने वाले, मे बी डब्ल्यू वाले इनको फिर से न्यू कॉन्ट्रैक्ट दे देगी बहुत ही जल्द। नेक्स्ट में बात करते हैं ब्रे वाइट के बारे में, भाई जिनके बारे में रिसेंट टाइम में काफी अच्छा रिपोर्ट आया डब्ल्यू कंपनी की तरफ से। डब्ल्यू वाले रिसेंट टाइम में काफी मर्चेंडाइज ब्रे वाइट का निकाली थी, पर भाई गुड न्यूज है कि सारे मर्चेंडाइज एक्चुअली सोल्ड आउट हो चुके हैं। मतलब आप लोग समझ सकते हो इससे इनके फैमिली को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलने वाला क्योंकि सीधे पैसा इनके फैमिली के पास जाने वाला। वैसे मैंने 2 दिन पहले आपको वीडियो के अंदर बताया भी था कि डब्ल्यू वालों को एक पेंशन सिस्टम रखना चाहिए था अपने कंपनी के अंदर, क्योंकि भाई जो भी रेसलर का डेथ हो जाता है उसका फैमिली के ऊपर क्या गुजरेगा, मतलब डब्ल्यू वाले 1-2 साल तक उनको पैसा देगा उसके बाद देना बंद कर देंगे। हम लोग ब्रे वाइट को 1 साल या फिर 2 साल तक याद करने वाला, उसके बाद हम लोग ब्रे वाइट को भूल जाएंगे। इनके फैमिली को जिंदगी भर सर्वाइव करना, तो डब्ल्यू वालों को एक पेंशन सिस्टम रखना चाहिए था मतलब डब्ल्यू के अंदर। नेक्स्ट में बात करते हैं क्रिश्चियन केज के बारे में, भाई मुझे सच में नहीं पता ये रिपोर्ट कितना सही है, पर भाई रिसेंट में रिपोर्ट आया कि क्रिश्चियन केज डब्ल्यू कंपनी के अंदर वापस आ सकते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही जल्द इनका एडब्ल्यू कंपनी के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारा चीज खत्म होने वाला है, उसके बाद रिपोर्ट ये बताया जा रहा है कि शायद से न्यू कॉन्ट्रैक्ट डब्ल्यू कंपनी के साथ फिर से साइन कर सकते हैं। मतलब भाई अगर ये चीज हो जाता तो इसका चांसेस काफी ज्यादा हाई हो जाता कि एज हमें डब्ल्यू कंपनी के अंदर फिर से देखने को मिले, क्योंकि हमारे एज का एक ही ड्रीम था कि वो टैग टीम मैच के अंदर कम्पीट करे क्रिश्चियन केज के साथ, जो कि सपना उनको डब्ल्यू के अंदर पूरा हो जाए। आई होप ये रेसलिंग ब्लॉग का रिपोर्ट सही हो, हमें फिर से क्रिश्चियन केज डब्ल्यू कंपनी के अंदर वापस देखने को मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बारे में, जो कि हमें शायद से यूएफसी के अंदर देखने को मिल सकते हैं बहुत ही, क्योंकि रिसेंट टाइम डेना व्हाइट ने खुद से इस बात को कंफर्म किया कि वो ब्रॉक लेसनर को यूएफसी के अंदर वापस ला रहे हैं। रिसेंट टाइम यूएफसी 300 करके एक शो होने वाला, उसके अंदर ब्रॉक लेसनर का अपीयरेंस होने वाला, ऐसा डेना व्हाइट ने बताया। देखो मेरे ख्याल से अगर ब्रॉक लेसनर अगर वहां जाएंगे तो मेरे ख्याल से फाइट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि भाई ब्रॉक लेसनर का एज काफी ज्यादा हो चुका है। ऐसे भी अगर ब्रॉक लेसनर अगर फाइट भी करते हैं तो मेरे ख्याल से डब्ल्यू कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि ऑलरेडी डब्ल्यू कंपनी और यूएफसी कंपनी दोनों एक ही पेरेंट कंपनी के अंडर आता जो कि एनडीवर। तो भाई आप लोग समझ जाओ अगर ये चीज अगर फिर से होता है तो मतलब करीब 12 साल बाद आपको फिर से ब्रॉक लेसनर यूएफसी के अंदर देखने को मिलने वाला। ये चीज खुद यूएफसी के सीईओ ने इस बात को बताया तो इसका चांसेस काफी ज्यादा हाई हो सकता है। ऐसे आप लोग क्या एक्साइटेड हो ब्रॉक लेसनर को फिर से यूएफसी के अंदर देखने के लिए, सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ऐसे अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।